देश की अर्थव्यवस्था भारी सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में जनता 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर सरकार की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है, लेकिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर टूटने वाली हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय उस पर पानी फेरने वाली है। तो कैसे निराशाजनक हो सकता है ये बजट, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सत्ता दूसरी बार संभालने के बाद मोदी सरकार को अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना है, वो है बजट। जी हाँ, आर्थिक मंदी के बीच बजट पेश करना इस वक्त मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को सरकार कैसे पार करेगी, ये तो 1 फरवरी की तारीख बताएगी, लेकिन उससे पहले कयास बता रहे हैं कि 2020 का ये बजट जनता के लिए कुछ खास लेकर नहीं आने वाला है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में बहुत ज्यादा राहत पहुँचाने वाला कोई कदम उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह है बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था। दरअसल देश में इस वक्त आर्थिक स्थिति की हालत ये है कि उपभोक्ता मांग गिरावट का रोना रो रहे हैं, टैक्स कलेक्शन भी कुछ खास नहीं है और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी दर 5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस परेशानी को देखते हुए सरकार जनता की समस्या का समाधान निकालती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार बजट में ज्यादा नरमी नहीं बरतेगी, जिससे महंगाई जस की तस बनी रहेगी। कहा जा रहा है कि इस बजट के बाद महंगाई कम होने की उम्मीद नहीं है। केंद्र महंगाई कम करने की बजाय राजकोषीय घाटे को पूरा करने में जुटी है, इसीलिए तो वो सरकारी कंपनियों को पीपीपी मॉडल से चलाने पर विचार कर रही है, ताकि पैसा जुटाया जा सके। ये कदम साफ तौर पर मोदी सरकार की नाकामियों को दर्शाता है, जिससे जनता बेहाल हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि मोदी राज में सब अच्छा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।